जिस काम के बारे में कुछ अता पता ना हो वहाँ पे बात नहीं कर रही। अफसोस की बात है कि जब एक स्टूडेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम पास नहीं कर पाता है, नो डाउट उसने कितनी भी मेहनत क्यों ना की हो, एक दो पॉइंट से वो गिर जाता है, तो ऐसे में क्या होता है, बहुत स्ट्रेस में चला जाता है बंदा कि मैंने इतनी मेहनत की हुई होती है तो मेरा पास क्यों नहीं हुआ। लेकिन दूसरी तरफ से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसके पीछे ही पड़े हुए होते हैं, बातें करते रहते हैं, नेगेटिव थॉट्स रखते हैं कि इसने पढ़ा ही नहीं होगा, ये दरबदरी करता होगा, आवारगी करता होगा, लेकिन रियलिटी कुछ और हो जाती है। ये कोई आम बात नहीं होती, ऑल इंडिया का जो एग्ज़ाम होता है वो पास करना फर्स्ट अटेम्प्ट में, ये कोई आसान बात नहीं होती है, फिर भी एक दो पॉइंट से गिर जाता है, ये सबसे बड़ी बात होती है यहाँ पे। तो ऐसे में क्या होता है, इस स्टूडेंट को चाहिए इमोशनल सपोर्ट। इमोशनल सपोर्ट बोले तो जो उसके फ्रेंड्स होते हैं, जो उसकी फैमिली होती है, स्पेशली उसके पेरेंट्स, वो उसको एक इमोशनली सपोर्ट करने चाहिए कि बेटा कोई बात नहीं, आज अगर क्वालिफाई नहीं हुआ तो दूसरे अटेम्प्ट में करके दिखाना, इंशाल्लाह आप करोगे, क्योंकि फेलियर्स तो होते रहते हैं लाइफ में, जो इंसान फेल नहीं होता है वो सीखता कैसे है। तो ऐसी बातें बोलनी चाहिए इस स्टूडेंट को, जिसकी वजह से ये बूस्ट होगा, जिसकी वजह से अट्रैक्ट होगा, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्या करेगा, मेहनत ज्यादा से ज्यादा करेगा और इंशाल्लाह क्वालिफाई भी कर पाएगा। अगर नहीं, हमारे पेरेंट्स तो आज भी उस 1990 वाली सोच में पड़े हुए हैं कि अगर क्वालिफाई नहीं किया, अगर पास नहीं किया तो मारपीट शुरू हो जाता है, बातें सुनाना शुरू करते हैं, बरस पड़ते हैं, इसकी मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ेगा, ऑलरेडी से स्ट्रेस में होता है, उसकी कोई परवाह नहीं होती है। जब इन्हीं बातों से फिर ये डिप्रेशन में चला जाता है एक दो साल के लिए, फिर इतने सारे पैसे लग जाते हैं, डॉक्टर्स के पास दिखाना होता है, काउंसलिंग करवानी पड़ती है, उस चीज़ का इनका कोई ख्याल नहीं होता है। बेसिकली आज का सीन कुछ ऐसा है कि कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि पीएचडी होल्डर भी आज दर दर की ठोकरें खाता है, फिर भी एक जॉब नहीं मिलती है। तो हमारे पेरेंट्स क्या काम करते हैं, वो क्या सोचते हैं कि पुराने ज़माने में तो 8th क्लास भी एक तहसीलदार लगता था, डीसी लग जाता था, वो बात अलग है और आज की बात अलग है। आज कंपटीशन हम ऐसे समझाएंगे, एग्जांपल मार्केट में एक दुकानदार होता है, वो ऐसी चीज़ें बेचता है जो पूरी मार्केट में किसी और दुकानदार के पास नहीं होती है, वो अच्छा खासा सेल करता है, अच्छा खासा मार्जिन कमा लेता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद ही उसका एक कंपटीटर आ जाता है, उसको कंपटीशन लग जाता है क्योंकि मार्केट में दूसरा एक दुकानदार आ गया है, वही चीज़ें बेचता है। तो ऐसे में क्या होता है, इस दुकानदार के जो कस्टमर्स होते हैं वो बाइफर्केट हो जाते हैं, आधे उसके पास चले जाते हैं, आधे इसके पास चले जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, इसका सर्वाइवल थोड़ा सा मुश्किल में आ जाता है, इसका कंपटीशन लग जाता है उस दुकानदार के साथ। तो दूसरे दिन क्या करता है, तीसरा दुकानदार भी आ जाता है, ऐसे ही कंपटीशन बढ़ जाता है। तो इस दुकानदार के लिए, जो दुकानदार होगा उसको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो ऐसे में इसका सर्वाइवल बहुत ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई होता है। वैसा ही आप समझ लीजिए इस स्टडीज के मामले में है, इस जॉब हासिल करने के मामले में है। एट लास्ट यहाँ पे मैं दो ही बातें कहना चाहूंगा। पहली बात स्टूडेंट्स को लेके हैं, जो भी ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम पास नहीं कर पाते हैं, उनको मैं कहना चाहूंगा कि लोगों का काम होता है कहना, चाहे आप अच्छा करो तो भी वो बातें करेंगे, चाहे आप बुरा करो तो भी वो बातें करेंगे, इसीलिए एक कान से सुनो दूसरे कान से छोड़ो, क्योंकि अगर आप इनकी बातें याद रखोगे तो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। अपने काम से काम रखो, अपने जो आपके टारगेट्स हैं, अपना जो आपका मिशन है उसमें लग जाओ, उसको अचीव करने में लग जाओ, बाकी उन लोगों को कहो हाँ भाई आप ही ठीक हो, आप ही सही करते हो। दूसरी बात जो पेरेंट्स को लेके हैं या उन लोगों को लेके हैं जो नेगेटिव बातें करते हैं, या इस स्टूडेंट को जिसने एक साल मेहनत की हुई होती है, तो अल्लाह ताला का ये करना होता है, हमारी तरफ से मेहनत होती है, मेहनत तो हम करते हैं, तो अब ऊपर वाले के हाथ में होता है वो रिजल्ट देगा या नहीं देगा, वो कामयाब करेगा या नहीं करेगा, उसमें हमारी कोई गलती नहीं होती है। तो ऐसे में क्या करना होता है, जिस काम के बारे में कुछ अता पता ना हो वहाँ पे बात नहीं करनी चाहिए, वहाँ पे खामोशी ही करनी चाहिए। और पेरेंट्स से भी यही गुजारिश है, बोलना चाहूँगा कि अपने बच्चों को अंडर एस्टिमेट ना करें, उनमें कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, एक अटेम्प्ट में नहीं कर पाएगा, इंशाल्लाह दूसरे अटेम्प्ट में ज़रूर करके दे।